ढूंढी लोगे तुम मुझे हर जगह, अब तो मुझको तेरा जब से मैं हवा में हूं, तेरा असर है। क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन के मन से धागे, बस चले ना क्यों मेरा तेरे आगे। कौन मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे मन से मन के धागे। ऐसा हो गया कि बस यही चलता रहे, यही चलता रहे, यही चलता। कितना डिवाइन, कितना। और आप कैसे डूब के गा रहे थे जबकि बीच में लिरिक्स भी नहीं थे, लेकिन यू वर इनटू, टोटली इनटू म्यूजिक, उस माहौल में घुस गए थे। अभी यू वर दैट, ट्रांस में चले गए थे आप भी। वो आवाज से ही बिल्कुल पता चल जाता है कि आवाज का टोन, फील सब अलग हो जाते। वो सुनाई एंड देता ना वो ये सुन के ना सच्चाई। मुझे, जब आप आए नहीं तो हम लोग, मैंने बात करे थे वो, मुझे ये सच्ची, नॉट बिकॉज ऑफ ये हमारे अपने फैमिली के लोगों का गाना है दर्शन उमंग, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस व्हेन यू सैंग सुबह की गर्मी? डू यू रिमेम्बर सम लाइंस ऑफ दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग? तो मैं लोगों को, पता क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं सुबह की गर्मी में, जिन जिन्होंने काम किया, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं, मैं भी इधर होती क्योंकि पहले मैंने गाया था ये गाना। ये स्क्रीनशॉट और लेना चाहिए था प्लीज, ऐसे करो फिर मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, बहुत दुख वाला। थैंक यू। इन लोगों ने ना, इन्हीं मतलब लोगों ने इन दोनों भाइयों को मैं जिंदगी माफ नहीं करूंगी कि मैंने इतना दिल लगा के गाना गाया था और इन दोनों ने हटा दी मेरी आवाज, फिर पापा उनको गवाया। अच्छा आपने बट गाया था क्या हाँ, जो मेरी आवाज हटा दी। एक उसका वर्जन बनाना चाहिए फिर हम दोनों का मैं साथ में मिला। वही मुझे वो भी मौका नहीं था, मैं तो फ्री में गाने के लिए आप आगे नहीं जाते। बट सच में, ऑन अ सीरियस नोट, जब इन्होंने ये गवाया गाना और मुझे सुनाया ना, आई वाज लाइक ओ माय गॉड। सबसे पहले मैंने ही सुना था और बिटू भैया को सुनाया, हम दोनों साथ थे, मैं और भैया, तो इतना खुश हुए। मतलब आपने इतना खूबसूरती से गाना गाया और अच्छा, दे मुझे हैव डन तो अ ग्रेट कॉम्पोजिशन, दोनों ने बहुत ब्यूटीफुल सुंदर, और सिद्धांत ने लिखा ऐसे ब्यूटिफुली रिटर्न, ब्यूटिफुली कंपोज बाय एंड संग बाय यू, द वन एंड ओनली, ये दोनों भाई दोषी निकले। दोषी दोषी निकले। मेरे लिए तो दोषी है, मेरे लिए तो दोनों दोषी हैं। तो है। हो जाए सुबह की गर्मी, थोड़ा मैं सा भूल गया हूं ना, अभी एकदम नया गाना मैं है आपको याद है? थोड़ा सा मैं लिरिक्स बता देती हूँ आपको। आइए तो सुबह बताओ। की गर्मी, रातों की सर्दी, सुबह शाम, की गर्मी यस, देन सुबह की गर्मी, रातों की सर्दी, सर्दी शाम सुलझाएगी, लड़ जाएगी। शाम सुलझाएगी, हाय हाय, ओके इतना ही हो गाना। जाए, चलो उमंग सुन ले तू है तो। उमंग। तेरे उमंग मैंने देखे सारे, रुक जा। हाँ, सम 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 मनी, प्लीज सेंड इट टू अस, आई बोथ ऑफ अस। नो
इतनी तारीफ उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत गिफ्ट भी भेजा है भाई, लोगों को मानना तो पड़ेगा, मतलब है तो कमाल के लड़के, दोषी है वो अलग बात है। उमंग इसलिए बोलता हूँ कि मुझे चांस दे फिर भी देखना, बिट्टू भी ऐसे कि मुझे गवा ले। ये दोनों लंडा बंद कर देंगे। चलो हो जाए सुबह की गर्मी, शाम की सर्दी, सुबह की गर्मी, रातों की सर्दी, शाम सुल जाएगी। सोचो मैंने कितना सुना ये गाना। सुबह की गर्मी, रातों की सर्दी, सुबह की गर्मी, रातों की सर्दी, शाम सुल जाएगी, सुबह की गर्मी, रातों की सर्दी, शाम सुल जाएगी, जूझे लहरों से, जूझे लहरों से, लाला दर्द से, नाव घर आएगी, नाव घर आएगी, धीमे से कहती हवा, बहुत खूबसूरत गाना, धीमे से कहती हवा, धीमे से कहती हवा, ये नया, बस हाय हाय, ऐसा कुछ था ना। श्वेता, श्वेता एक्चुअली क्या है, बहुत श्वेता ने ये गाना सुन के उसको और मुझे बोली कि ये गाना क्या है। मैं आजकल तो हम लोग गाने वाने इतना शेयर नहीं करते, करते भी हम एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। हाँ। तो अब ऐसा हो गया अपना, कभी गिटार जैसे शामों को हर एक, मेरा कॉलेज टाइम ना, शी नोज मी फ्रॉम ऑब्वियसली बिफोर वी गॉट मैरिड, शायद कॉलेज टाइम, हर ये मेरा रियाज है जो है, लोग पूछते क्या है रियाज, बस यही था कि हर शाम को जहाँ फ्री खाना मिल जाए ये मिल जाए और गिटार लेके पहुंच जाओ दिल्ली में, है ना। और ओल्ड बॉन्ग भी पीते थे तो चलो ठीक है, तो फ्री में मिले तो पहुंच जाते थे। करते करते मेरे दोस्त लोग भी थे, महफिल हर शाम को मेरे घर में, तो ऐसा होता था, एक टाइम हो गया था कि जैसे शाम को श्वेता सबके लिए खाना बनाएगी और जैसे गिटार निकला वो अपने टाइम से, अच्छा घर वाले दरवाजा किली लगा के चले जाना, मैं जा रही हूँ सुनने, गिटार निकलते भाग लेते कि बस हो गया अब यार। अरे बाप रे। तो आज वो बोलिए तो उमंग यू शुड बी हैप्पी, श्वेता ने तुम्हारे गाने में एक ऐसे, अरे श्वेता क्या बात है, क्या बात है श्वेता, क्या बात है। तुम थैंक यू बोलो कि तुम्हारे गाने को श्वेता ने मतलब ग्रीन झंडी दिखा दी है कि भाई शी इज सेइंग, मतलब अप्रूवल मिल गया तो बस फिर तो अच्छा ही है। आपकी पापन आर्मी बहुत सारी आपको मुझे प्यार मोहब्बत भेज रही है। पापन दा बिहू आते गाओ प्लीज, गाओ बिहू बीता बिहू एता हो सके, एता मींस एक बिहू अता गायक, बिहू बिहू एता गायक, बिहू अता गायक। उमंग जी है, अच्छा थैंक यू श्वेता को, थैंक यू उमंग, उमंग सिंह, थैंक यू पापन दा एंड ऋचा दी एंड थैंक यू सो मच श्वेता जी, जी 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 तो आना देखता हूँ मैं। We have to meet, we have to do, ये लॉकडाउन खत्म, हम सबको मिलना है, वो पेंडिंग है। हाँ तो बहुत लोग लिख रहे हैं, आप बताइए किससे क्या। एक तो वो सुना दो ना बर्फी का, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग है यार ये, बादाम खाने से दांत में अटकता है ना। हाँ अगर कैविटी हो तो, वैसे नहीं अटकता, कैविटी नहीं है, ऊपर ही ऊपर लगा हुआ, भूख सी लगी तो खाया तो अटक गया। अच्छा क्यों, हाँ जी क्यों, और मुझे ना वो भी सुना जो आपने एक रिप्राइज वर्जन किया था ना, वो तू जो मिला, तो पहले आप क्यों सुना दो उसके बाद फिर वो सुना देना, तू जो मिला इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग अगेन प्रीतम दा, ये भी प्रीतम दा, हाँ देखो दोनों।
नीलेश मिश्रा जी ने लिखा है ये, नीलेश मिश्रा जी, हाँ जी हाँ जी, वो बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अलग अलग थॉट है उनका, है ना, नीलेश मिश्रा जी का। उन्होंने कहीं रिसेंटली ट्विटर में लिखा था कि ये मेरे सबसे बेस्ट गाना है, तो मुझे बहुत ट्विटर में उन्होंने लिखा था। हाँ तो क्यों किसी ने लिखा वही जा रहे हैं। हाँ असली अवार्ड यही होता है कि आपके म्यूजिक डायरेक्टर लिरिसिस्ट खुश हो जाए आपके काम वो से खुश ना। हो जाए। हाँ उनका उनको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। आप मतलब कमाल के। अच्छा ये श्वेता के हैंडल से मेरी बेटी लिख रही है, बीकू हियर। अच्छा, श्वेता भी लिख रही है, श्वेता भी लिख रही है, बट क्या बात है। अभी तो ताजा ताजा उमंग ने थैंक यू बोला था, क्यों उसकी उम्मीदों अच्छा पे पानी मैं भी फेरा। कंफ्यूज हूँ, अभी श्वेता थी। ओके तो हो जाए क्यों। ना हम तो चले टेढ़े मेढ़े से रस्तों पे नंगे बावरे, चल भटक लेना बावरे, क्यों ना हम तो फिरे जाके अलमस्त पहचाने रहोगे बरे, चल भटक लेना बाबरे, टिम टिम टिमाती निगाह में चमचमाती अदाव में लुके हुए छुपे हुए है क्या ख्याल बारे, क्यों न हम तो तलाशे बगीचों में फुर्सत भरे छाँव में, चल भटक लेना बाबरे, क्यों न हम चले जिंदगी के नशे में ही धुत सर फेरे, चल भटक लेना बाबरे, गुनगुनाती फिजा में सरसराती हवा में टुकुर टुकुर तू देख क्या क्या तेरा हाल बारे। क्या बात, मजा आ गया, वो अच्छा था, मजा आ रहा, तभी तो दोनों कनेक्ट लेटेंसी के साथ। नहीं ऑफ भी आ रहा होगा ना। नहीं बहुत कूल आ रहा है, हाँ शायद थोड़ा ऑफ आ रहा है। इसलिए मैं ना तो चुटकी बजा रही हूँ ना मैं वो कुछ क्या करूँ, मतलब क्योंकि यहाँ मुझे तो बीट पे सुनाई दे रहा है ना, मुझे तो बीट पे आ रहा है, और मैं जब उसका रिएक्ट करती हूँ तो वो लेटेंसी दिखाता है, तो एंजॉय करो। झूमो झूमो। अच्छा तो अच्छा वो, आप ये क्या एयरपोर्ट पहने हुए हो क्या? हाँ एयरपोर्ट पर, ये पहन के हाँ गाओगे ज्यादा अच्छा आएगा क्या? ऐसा तो नहीं है, आवाज क्लियर आती है, बहुत अच्छी आती है। अच्छा क्या ऐसा है क्या? लगा लो लगा लो, तब तक मैं आप कुछ नाम बातें पढ़ करो। लेती हूँ। हाँ हाँ तब तक मैं नाम पढ़ लेती हूँ, और आइबर बिहू लगदू पापोंदा लगबू, ओके ये लिख लागी रहे बॉ हैं लागी बॉ। लागीबो। अच्छा जो लागी उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन चलो लागीबो, ये लिख रहे हैं मनश बाबा, ओके। और अकीदा लिख रही है मजा आ गया सरजी, ओके। और जो लोग कह रहे हैं ना ऋचा जी गा दो ऋचा जी गा दो, आप समझो आज हमारे पास इतने फैंटास्टिक सिंगर बैठे हैं, आज इनको सुनेंगे। और वैसे मैं और ना पापो ने ट्राई करेंगे कि जगजीत सिंह जी की गजल गाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में, बट अभी तो मैं उनसे वो सुनना चाहती हूँ तू जो मिला, जो उन्होंने उनका वर्जन है वो वाला, जैसे केके ने भी गाया इसको, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, लेकिन मैं सुनना चाहूंगी पापोन का जो रिप्राइज वर्जन है। और अच्छा वैसे तो आपका आवाज पापोन इज मेरे आवाज ऑसम, आ रहा मुझे बहुत अच्छी आ रही है। आपको मेरी है? अरे आवाज आ रही क्या बात क्या बात, झुकी है, झुकी दिस सी इज नजर, बेटर। हाँ वो हम गाएंगे साथ में, लेकिन क्या अभी बात। फिलहाल मुझे तू जो मिला, अच्छा उसी स्केल में गा लें, नहीं तू आप आपके भी स्केल गाओ। में गाओ। नहीं 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 मुझे नहीं आता, फिर खराब हो जाएगा ना, आप सुनो। मैं किस स्केल में गाता मुझे भी तो नहीं पता, बैंड को पूछना पड़े। उमंग बता, उमंग हाँ वह बता। खुद चेक करके बताना। नहीं ऐसा नहीं होगा।
आशियाना तेरा, गा लेता हूँ यहीं पे ना, नहीं नहीं चेक करो अभी सेम वी हैव टाइम, आशियाना चेक करो तेरा, हाई नोट कितना जा रहा तू जो मेरा हो गया मैं खावे, तू जो